हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में जानेंगे, जिन्हें पूरी दुनिया आमतौर पर टेलीफोन के आविष्कार के लिए जानती है। बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई और भी उपयोगी आविष्कार किए हैं, जिनके बिना संचार क्रांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो चलिए जानते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में। ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। इनकी माँ का नाम एलिजा ग्रे साइमंड्स और इनके पिता का नाम अलेक्जेंडर मेलविल बेल था, जो एक शिक्षक थे। ग्राहम बेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा घर पर ही की। उन्हें उनके पिता ने घर पर ही पढ़ाया। फिर वो एडिनबर्ग के रॉयल हाई स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए। उन्हें विज्ञान में काफ़ी रुचि थी, खासकर जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादाजी के साथ रहने के लिए लंदन चले गए। दादाजी के साथ रहते हुए ग्राहम बेल में पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुचि जागने लगी। ग्राहम बेल की माँ को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता था, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान और निराश रहते थे। अपंगता किसी भी व्यक्ति के लिए एक अभिशाप से कम नहीं होता, लेकिन ग्राहम बेल ने अपनी निराशा को कभी भी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। यही कारण था कि वे ध्वनि विज्ञान की मदद से न सुनने वाले व्यक्तियों के लिए ऐसा यंत्र बनाने में कामयाब हुए, जो आज भी लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बेल के पिता, दादा और उनके भाई एलोक्यूशन एंड स्पीच के काम में जुड़े थे, क्योंकि बेल की माँ, पत्नी और खास दोस्त भी सुनने में असमर्थ थे। यही कारण था कि बेल ऐसे लोगों को बचपन से देखा और उनकी तकलीफ को भी काफ़ी करीब से महसूस किया था। इसलिए उनके जीवन की बेहतरी के लिए और क्या अधिक करना चाहिए, इसे बेहतर ढंग से समझ पाते थे। अगर ये कहे कि ग्राहम बेल ने अपना पूरा जीवन बधिर लोगों के लिए कार्य किया, तो ये शायद गलत नहीं होगा। इन्हीं खास परिस्थितियों की वजह से ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार में सफलता हासिल की। ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान में काफ़ी गहरी रुचि थी, इसलिए लगभग 23 साल की उम्र में ही उन्होंने एक ऐसा पियानो बनाया जिसकी मधुर आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनाई देती थी, और कुछ समय तक वे स्पीच टेक्नोलॉजी विषय के टीचर भी रहे। इस दौरान भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और एक ऐसा यंत्र बनाने में सफल हुए जो न केवल म्यूजिकल नोट्स को भेजने में सक्षम था, बल्कि जो आर्टिकुलेट स्पीच भी दे सकता था। यही टेलीफोन का सबसे पुराना मॉडल था। बेल ने कई आविष्कार किए, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, हाइड्रोफिल, फोटोफोन, डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर और एरोनॉटिक्स में ग्राउंड ब्रेकिंग काम शामिल है। बेल और उनके कुछ सहायक मिलकर एक वायरलेस टेलीफोन का आविष्कार कर रहे थे। इस पर काफ़ी समय से वो काम कर रहे थे, जिसे फोटोफोन के नाम से जाना जाता था। बेल का मानना था कि फोटोफोन के सिद्धांत उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, टेलीफोन से भी बड़ी उपलब्धि थी। फोटोफोन फाइबर ऑप्टिकल संचार प्रणाली का अग्रदूत था, जिसने संचार की दुनिया में काफ़ी बदलाव लाए। बेल अपनी बढ़ती उम्र के साथ एनीमिया से पीड़ित हो गए थे, जिस वजह से 2 अगस्त 1922 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी उनके द्वारा किए गए आविष्कार संचार के क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी हैं। तो ये थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।